फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया, जो कि हर तरह के डिशेस के टेस्ट को बढ़ाने और प्रेजेंटेशन को कई गुना खूबसूरत बनाने का काम करता है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हरा धनिया हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसको डाइट में शामिल करने से कई सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, जिसको जानने के बाद आप भी इसे खाना पसंद करोगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हरा धनिया आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हरे धनिया में विटामिन ए भरपूर होती है। इसको लगातार आप अपने डाइट में शामिल रखते हो तो इससे आपकी आईसाइट अच्छी होती है, और आंखों में अगर दर्द रहता है तो उसमें भी आराम मिलता है। दोस्तों, हरा धनिया की पत्तियों में मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन ए और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। हरा धनिया हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर होती है, जो कि वायरस से बचाने का काम करता है। दोस्तों, डाइजेशन को बेहतर बनाने में भी हरा धनिया अच्छा रोल अदा करता है। इसे रोज़ाना अपने डाइट में शामिल करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकते हो, गैस, अपच जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हो। हरा धनिया शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट भी हरे धनिया की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर ही नहीं बल्कि बीपी को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसके अलावा थायराइड और वजन कम करने जैसे प्रॉब्लम्स का यह रामबाण इलाज है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप रोज़ाना सुबह खाली पेट धनिया का पानी पिए और अपने डाइट में धनिया की चटनी को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, चूंकि हरे धनिया में डिटॉक्सिफिकेशन के गुण पाए जाते हैं, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने में कारगर साबित होते हैं, इसलिए दाल, सब्जी, सूप वगैरह में डालकर आप इसे अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बना लें। क्योंकि कई रिसर्च से साबित हुआ है कि धनिया किडनी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि धनिया में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होती है, जो कि बड़े से बड़े बीमारियों से बचाए रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी धनिया के बारे में। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।